हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको क्लियर कट बता दूं, मेरे चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर ये है कि फाइंड करना है आपको, फाइंड आउट। क्या फाइंड आउट करना है आपको भाई? एफ जी फाइंड आउट करना है, एफ जी एंड जी एफ, वेयर एफ की जो वैल्यू दे रखी है बेटा वो ये दे रखी है, एफ बराबर है परम्यूटेशन ग्रुप 1 3 2 2 3 4 4 1 एंड जी इज इक्वल टू जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 1 4 2 1 3 2 4 3। क्लियर है ना? सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ, एक क्वेश्चन तो ये है, एक और भी क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं निकालता हूँ एफ जी, इससे एफ जी कैलकुलेट करता हूँ, एफ इंटू जी। मैंने एफ की वैल्यू डाली 1 3 2 2 3 4 4 1, इंटू का निशान लगाया 1 4 2 1 3 2 4 3 इज इक्वल टू। यहाँ से देखो बेटा, एक सबसे पहले ये लिखो, एक एक की इमेज क्या है 4 4 की इमेज क्या है 1, ठीक है ना। यहाँ से देखो, एक की इमेज कितनी 4। अब इस पर आ जाओ, 4 की इमेज कितनी 1, तो एक की इमेज हुई 1। 2 पर आ जाओ आप, 2 की इमेज 1, एक की इमेज कितनी 3, तो 2 की इमेज हुई 3। 3 पर आ जाओ, 3 की इमेज कितनी 2, अब 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 2, यानी 3 पर चलो, 3 की इमेज 2, 2 की इमेज 2। क्लियर? यहाँ आ जाओ, 4 की इमेज 4 लिखो पहले, 4 की इमेज कितनी 3, और 3 की इमेज कितनी 4। क्लियर है ना? बराबर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, जो फंक्शन का एलिमेंट है और उसकी इमेज है, उनको छोड़ भी सकते हो आप। जैसे 1 की इमेज 1 है, आप इसको छोड़ दोगे, 4 की इमेज 4 है, आप इसको छोड़ दोगे। इसको लिखोगे आप, 2 की इमेज कितनी है 3, और 3 की इमेज कितनी है 2, आपका ये आंसर आ चुका। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान से देखना है बेटा, चाहे तो ये पूरा ये भी आंसर लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। एफ जी आ चुका आपके पास, अब मैं निकाल रहा हूँ जी एफ। जी एफ इज इक्वल टू, मैंने जी की वैल्यू डाली, जी मेरे पास है 1 4 2 1 3 2 4 3 इंटू 1 3 2 2 3 4 4 1, ये मेरा एफ हुआ, ये मेरा जी हुआ, बराबर। इससे चलो आप, 1 की इमेज 3 3 की इमेज 2, तो कितना निकल करके आया बेटा मेरे पास? मेरे पास निकल करके आया 1 1 की इमेज 3 3 की इमेज 2, तो 1 की इमेज हुई 2। 2 की इमेज कितनी है 2, और फिर 2 की इमेज कितनी है 1, तो यहाँ कितना निकला, 2 की इमेज हुई 1। यहाँ देखो आप, 3 की इमेज 4, यानी 3 की इमेज हुई 4, 4 की इमेज कितनी हुई 3। अब यहाँ देखो बेटा, 4 की इमेज 1, 1 की इमेज कितनी 4 की इमेज है 1, 1 की इमेज कितनी है 4। इसको भी आप वैसे ही लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो बेटा, 1 की इमेज कितनी है 2, 2 की इमेज कितनी है 1, 3 4 आइडेंटिटी है, आपने छोड़ दिया, आपका आंसर हो चुका। क्लियर? आज इस तरफ चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है, एफ जी एंड जी एफ फाइंड आउट करना है। एफ़ की जो वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, एफ ये दिया हुआ है, जी ये दिया हुआ है। सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ एफ इंटू जी। मैंने एफ़ की वैल्यू डाली जो कि मेरे पास है कितनी भाई, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1, और जी की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1 1 2 2 1 1 2 2 3 4 4 5 और 5 3। ठंड लगी है यार मेरे को हल्की सी। चलो यहाँ से देखो बेटा, 1 की इमेज 1, इस 1 की इमेज 1, फिर अब इधर आ जाओ, 1 की इमेज 2, तो 1 की इमेज कितनी होगी 2। क्लियर है ना? यहाँ से देखो आप, 2 की इमेज 2, अब यहाँ आ जाओ, 2 की इमेज 3,
क्लियर है ना। आगे देखता हूँ, तीन यहाँ आ जाओ आप, तीन की इमेज चार, तीन की इमेज चार, चार की इमेज पाँच, चार पा जाओ, चार की इमेज कितनी है पाँच, पाँच की इमेज कितनी है एक, अब पाँच पा जाओ, पाँच की इमेज कितनी है तीन, तीन की इमेज कितनी है चार, क्लियर है ना। आपके पास निकला 1 2, 2 3, 3 5, 4 1, 5 4। इसको दूसरे तरीके से लिखो बेटा, ये एलिमेंट है एक, नीचे उसकी इमेज दो, अब दो की इमेज कितनी है तीन, दो की इमेज तीन, तीन की इमेज देखो बेटा, तीन की इमेज कितनी है पाँच, पाँच की इमेज देखो कितनी है बेटा, पाँच पे पहुँचो, पाँच की इमेज कितनी है चार, चार की इमेज देखो, चार की इमेज एक, साइक्लिक हो चुका है, साइक्लिक भी है, गुणा के साथ साथ मैंने इसको साइक्लिक भी बना दिया। एफ जी निकल चुका, जी एफ की बात करता हूँ, जी एफ इज इक्वल टू, जी की वैल्यू डालता हूँ और एफ की वैल्यू डालता हूँ और कैलकुलेट करता हूँ, जी मेरा ये है, एफ मेरा ये है, जी की वैल्यू डाली 1 1, 2 2, 3 4, 4 5, 5 3, इंटू 1 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 1, डाल दी वैल्यू, गुणा करता हूँ। देखो बेटा, 1 की इमेज कितनी है 2, 2 की इमेज कितनी है 2, यहाँ से देखो आप, 1 की इमेज 2, अब इधर आ जाओ, 2 की इमेज 2, तो 1 की इमेज आ चुकी 2, क्लियर है ना। आगे की तरफ चलता हूँ, यहाँ से देखो आप, 2 की इमेज कितनी है, सबसे पहले लिखो 2 की इमेज 3, 3 की इमेज कितनी है 4, 2 के साथ 4 आ, यहाँ आ जाओ, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज कितनी है 5, यानी 3 की इमेज 4 और 4 की इमेज 5, क्लियर, 4 पा जाओ, 4 की इमेज कितनी है 5, 5 की इमेज कितनी है 3, क्लियर, 5 की इमेज कितनी है एक और 1 की इमेज कितनी है एक, 5 1 आ चुका। इसको फिर साइक उससे ही फॉर्म लिखो आप, 1 की इमेज कितनी है, अगले वाला 2, 2 की इमेज कितनी है 4, 4 की इमेज कितनी है 3, 3 की इमेज कितनी है 5, 5 की इमेज कितनी है 1, कितना निकल कर क्या, 1 2 4 3 5 1, 5 की इमेज तो 1 आ चुकी ना, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हो चुका आपका आंसर, क्लियर है ना। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि, तीसरा क्वेश्चन है मेरी बुक का, अगर अल्फा इज इक्वल टू आपको दे रखा है, कितना दिया हुआ भाई, 1 2, ऊपर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, नीचे है 3 1 5 4, ये तो अल्फा की वैल्यू दे रखी है। बीटा इज इक्वल टू आपको दे रखा है बेटा, ऊपर ऊपर दे रखा है 1 2 3 4 5, नीचे दे रखा है 1 3 1 3 4 5 2, ये दे रखा है। पूछ क्या रहा है आपसे, पहला तो पूछ रहा है कि अल्फा इनवर्स बताइए, नंबर वन, दूसरा आपसे पूछ रहा है कि भाई अल्फा इंटू बीटा की पावर -2 बताइए, तीसरा पूछ रहा है मेरे से क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ अल्फा बताइए, ये मेरा क्वेश्चन है। पहले वाले पार्ट की तरफ चलते हैं, अल्फा इनवर्स, अल्फा इनवर्स इज इक्वल टू, जो ऊपर वाला है उसको नीचे कर दो, नीचे वाले को ऊपर कर दो, यानी लाइनों को चेंज कर दो, ऊपर वाली लाइन नीचे, नीचे वाली लाइन ऊपर। देखते हैं भाई, 2 की इमेज कितनी है 1, 3 की इमेज कितनी है 2, ए सॉरी उल्टा कर रहा हूँ मैं, अब उल्टा इसके बेस पर बोल रहा हूँ, कभी आप ये समझो कि सर आप तो उल्टा बोल रहे हो, यहाँ तो 1 की इमेज 2 है, अब आप 2 की इमेज बोल रहे हो, मैं अल्फा इनवर्स के अंदर बोल रहा हूँ बेटा, 3 और 1 इसको बदल दो, 1 की जगह 3, 3 की जगह 1, मैंने स्टेटमेंट भी बोलना बदल दिया, 5 की जगह क्या है, ये 5 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, 4 ऊपर पहुंच जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, ये तो हुआ आपका अल्फा इनवर्स, क्लियर है ना। 2 1 3 2 1 3 5 4 4 5, इसको आप रिसेट करके ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, ध्यान से देखना है आपको, आप एक से ही चलो, जिस फॉर्म में ये लिखा हुआ था, इसको रिसेट ऐसे भी किया जा सकता है। देखो यहाँ से 1 की इमेज क्या है 3, अब 2 पर पहुँचो, 2 की इमेज क्या है 1, 2 आएगा ना, इसी फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, अब 3 की बात चलो, 3 की इमेज कितनी है 2, 4 के पास चलो, 4 की इमेज कितनी है 5, 5 की इमेज कितनी है 4, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इसको रीसेट किया है, दिस इज़ नोन एज रीसेट मेथड, जैसे था, जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 लिखा था,
आप हल करने के बाद उसको 1, 2, 3, 4, 5 की फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज योर आंसर। आपको चाहिए बीटा इनवर्स, बीटा इनवर्स की बात कर रहा हूँ भाई, निकालो बीटा इनवर्स इज इक्वल टू, इसको उल्टा कर दो, जो बीटा है उसको एकदम उल्टा कर दो, 1, 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 2, 5 हो गया ना बीटा इनवर्स, 1, 3, 4, 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5 रीसेट कर लो इसको उल्टा, सिस्टमेटिक वे से लिख लो, एक इमेज कितनी है, 1, 2 पर पहुँचो, 2 की इमेज कितनी है, 5, 3 पर पहुँचो, 3 की इमेज कितनी है, 2, 4 की इमेज कितनी है, 3, 4 की इमेज है मेरे पास 3, 5 की इमेज कितनी है मेरे पास 4, क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं, बीटा इनवर्स हो चुका, मेरे को चाहिए बीटा की पावर माइनस दो, बीटा की पावर माइनस दो का मतलब निकलता है बीटा इनवर्स इंटू बीटा इनवर्स इज इक्वल टू, बीटा इनवर्स की वैल्यू डालो आप, बीटा इनवर्स की वैल्यू है 1, 1, 2, 5, 3, 2, 4, 3, 5, 4, बीटा इनवर्स तो ये हुआ, एक बार फिर डाल दो 1, 1, 2, 5, 3, 2, 4, 3, 5, 4, गुणा कर दो इसकी भाई, देखता हूँ क्या आता है, 1 की इमेज 1, फिर 1 की इमेज 1, ये 1 यहाँ से चलो आप, 1 की इमेज 1, अभी इधर आ जाओ, 1 की इमेज 1 हो चुका ना, 2 की बात करो, 2 की इमेज कितनी है 5, 5 की इमेज कितनी है 4, ओके, 2 की इमेज कितनी है 2 की इमेज 5, 5 की इमेज कितनी हुई 4, 3 की इमेज कितनी है 2, 2 की इमेज कितनी है 5, क्लियर है ना। आगे चलता हूँ, 4 की इमेज कितनी है 3, 3 की इमेज कितनी है 2, क्लियर है ना, 5 की इमेज कितनी है 4, 4 की इमेज कितनी है 3, निकल गया ना, क्लियर। आगे देखता हूँ, ये निकलने के बाद आपसे पूछ क्या रहा है भाई, आपसे पूछ रहा है बेटा, जो पूछ रहा है वही बताऊंगा आपको, आपसे क्या निकलवा रहा है भाई, आपसे पूछ रहा है अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर, बीटा की पावर माइनस टू, अल्फा इंटू बीटा की पावर माइनस टू इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू डाल लो पहले तो आप, ये पूछ रहा है ना, अल्फा की वैल्यू डालो यहाँ से कितनी है, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 4, 5, 5, 4, अल्फा की वैल्यू होगी, बीटा की पावर माइनस टू की वैल्यू देखता हूँ कितनी है, ये देखो बेटा बीटा की पावर माइनस टू की वैल्यू ये है, कितनी है भाई, 1, 1, 2, 4, 3, 5, 4, 2, 5, 3, क्लियर है ना। आगे चलते हैं, यहाँ से मेरे पास कितना निकल कर क्या है बेटा, गुणा करने जा रहा हूँ इनकी मैं, लास्ट क्वेश्चन बाद में देख लूँगा, इसको इधर कर देता हूँ, ओके, देख रहा है ना, अल्फा इंटू बीटा की पावर माइनस दो इज इक्वल टू, देखना कितना निकलेगा, 1 की इमेज कितनी 1, इस पर चलो, 1 की इमेज 1, अभी इधर आ जाओ, 1 की इमेज कितनी 2, आ चुका, 2 पर चलो आप, 2 की इमेज 4, 4 की इमेज कितनी 5, 3 की इमेज देखो आप, 3 की इमेज कितनी है 5, 5 की इमेज कितनी है 4, 4 पर चलो आप, 4 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 5 पर चलो, 5 की इमेज 3, 3 की इमेज 1, निकल गया ना, आंसर आ चुका आपका, क्लियर। आगे की बात करते हैं, आगे कहना चाह रहा है कि ऑर्डर ऑफ अल्फा बताइए, ऑर्डर ऑफ अल्फा, सबसे पहले मैंने देखा कि अल्फा बराबर देखता हूँ, और ऑर्डर ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या, अल्फा की वैल्यू देखता हूँ, अल्फा आपको साफ साफ गिवन है, कितना गिवन है बेटा अल्फा आपको, ये देखो आप, अल्फा बराबर आपका 1, 2, 2, 3, 3, 1, 4, 5, 5, 4, ये है ना, इसको डिसजॉइंट साइकिल के अंदर ब्रेक करो, ब्रेक करता हूँ इसको डिसजॉइंट साइकिल में, देखता हूँ, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 1, 1 तो बन चुकी है, 4 की इमेज कितनी 5, 4 की इमेज 5, इस साइकिल की लेंथ कितनी है, कितने एलिमेंट है इसके अंदर, 3, इस साइकिल की लेंथ कितनी है, 2, एल ऑफ सी वन पहली साइकिल की लेंथ कितनी आ रही है, 3, एल ऑफ सी टू दूसरी साइकिल की लेंथ कितनी आ रही है,
ऑर्डर ऑफ अल्फा कितना होगा बेटा? वो फार्मूला होता है एल सी एम ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। पहले वाली साइकिल की लेंथ 3 है, दूसरे वाले साइकिल की लेंथ 2 है, दोनों का एल सी एम कितना निकल कर के आया? 3 और 2 का एल सी एम बराबर 6। तो ऑर्डर ऑफ अल्फा कितना हो चुका बेटा? 6 हो चुका। कोई आपका डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ओके बाय।